हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हियर वी विल डिस्कस अगेन एंड वी कंटिन्यू आवर टॉपिक, आवर प्रॉब्लम, आवर अप्रोचेस रिगार्डिंग दी रिगार्डिंग दी आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने लाया है, आप क्लियर दिख रहा होगा। सो इसका जो एक्चुअल जो डायग्राम होगा, मैंने सिर्फ कलर किया है, डायग्राम सेम है, जैसा है वैसी है डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ आप सारे कलर्स हटा देंगे, सो आपका डायग्राम सेम टू सेम दिख जाएगा। सो उसको मैं अटैचमेंट में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये आपका फिर से क्वेश्चन है ना, हम फिर से क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए। हम फिर से पढ़ रहे हैं आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, याद रखेंगे आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ओके। सो ये आप हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। सो आपको पता है, मैंने चलिए छोटा सा एक और डिस्कस, आप वीडियो को ना लास्ट तक नहीं देख रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी है ना, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि आपने वीडियो को ढंग से समझा नहीं है, ढंग से देखा ही नहीं है। सो मैं आपको एक बार फिर से बताने जा रहा हूं, वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखें, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं आपको वहां पर बताता हूं और आप शायद मिस कर देते हैं उसको, तो आपको उसको मिस नहीं करना है, है ना। चलिए, ये क्लियर, आपके पास एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो मैं इसको बनाना चालू करूंगा। तो सबसे पहले याद है ना, कि हम अभी भी याद रखेंगे फर्स्ट एंगल यूज कर रहे हैं। तो एक आध तो थर्ड एंगल पे मैं क्वेश्चन करवा बताऊंगा आपको, पहले फर्स्ट एंगल क्लियर कर लो। तो फर्स्ट एंगल के लिए हमको रूल क्या है बताइए, हमारा रूल क्या है कि फर्स्ट एंगल के लिए हमारा रूल क्या बोलता है कि जो ये देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, फ्रंट व्यू होता है वो हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, मतलब ऊपर बनेगा, टॉप व्यू जस्ट इसके नीचे। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ना, अलग पेंसिल से आपको बता देता हूं। चलिए, जो ये वाला पोर्शन है आपका, देखिए यहां से यहां तक ये लेंथ होगी, तो इसकी भी लेंथ सेम होगी, हो गया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, अब बात होती है टॉप साइड व्यू की। तो देखिए, ये जो डायरेक्शन दिखाता है ये हमेशा कौन सा व्यू होता है, मैंने आपको बताया ये दिस इज अवर फ्रंट व्यू, और जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा टॉप व्यू, ओके। तो साइड व्यू कैसे बनता है, आप देखिए, आप क्लियर देख पा रहे होंगे, अगर आप यहां पर खड़े हैं, सो ये आपका कौन सा हैंड होगा बताइए, मेरा दो हैंड है, ये लेफ्ट हैंड होगा आपका, दिस इज योर लेफ्ट हैंड। तो आप इसको यहां से देखेंगे, ये देखिए इसको यहां से देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे हैं, तो कौन सा व्यू होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, लेफ्ट हैंड साइड व्यू किधर बनता है, फ्रंट के राइट में बनता है। तो ये वाला जो आपका पोर्शन दिखेगा यहां पर, आप जो भी बनाओगे, ये देखिए सेम हाइट, इसकी भी हाइट वही होगी। सो क्या होगा, यहां पर आपका बनेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये होगा। और सपोज इसको आप इधर से देखते, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है आपको क्लियर, उधर से क्या है, इधर से आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, इधर से क्या दिख रहा है, उधर से दिख रहा है क्या, नहीं। तो उधर से जब दिखता तो उसको आप इधर बनाते, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड व्यू, जो कि किधर बनेगा, लेफ्ट में। तो नोटिस करने वाली बात क्या, देखिए ये जो डायरेक्शन है आपका, देखिए फ्रंट व्यू में भी जाता है, साइड व्यू में भी जाता है। तो ये जो होता है हमेशा याद रखेंगे, ये दोनों होता है हाइट के लिए, है ना, किसके लिए होता है, दोनों हाइट के लिए। तो ये हाइट के लिए जाएगा, तो देखिए फ्रंट व्यू की हाइट और साइड व्यू की हाइट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बात करता हूं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू में बताइए, टॉप व्यू में क्या है, लंबाई की होगी। तो ये जो डायरेक्शन जाएगा इधर और इधर, ये आपका होगा लेंथ, ये वाला यहां तक, तो लेंथ सेम होगा। और साइड व्यू के इससे आप क्या मैच होगा, ये आपका विड्थ, ये देखिए ये जितनी होगी उतनी ये भी होगी, तो डब्ल्यू इसमें इक्वल होती है ना। तो क्या निष्कर्ष निकला, मतलब क्या आपने यहां पर जाना कि यहां से मुझे क्या दिखाई देगा, सामने से, देखिए मैंने बताया सामने से आपको क्या दिखाई देगा, देखिए एल लिखा हूं लेंथ, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चलिए लेंथ, और क्या दिखाई देता है, मैंने बोला देखिए ऊपर जा रहे हो हाइट सब, तो यहां से आप देखोगे तो ये जो पोर्शन होगा, ये देखिए काउंट करेंगे 25 25 25, कितना हो गया टोटल 75, तो 75 इज द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड हाइट कितना है बताइए। चलिए, ये वाला डायरेक्शन तो ऊपर जाएगा, ये देखिए ये वाला जो आपका एरो होगा ना, ये तो ये जो डायमेंशन कहलाएगा कौन सा, ये वाला, ये 25 यहां पर लिखा है, ये देखिए 12, तो इस टाइप का जो होगा वो कितना होगा, कौन सा होगा, हाइट होगा। तो देखिए कितना होगा 12 और ये 25, तो 12 पर 25 कितना होगा 37, ठीक है। चलिए, ये तो हाइट हो गया। नेक्स्ट, अब इसका हो चुका है, अब साइड व्यू की बात करता हूं, तो साइड में क्या दिखता है, मैंने बताया देखिए हाइट तो आपका कॉमन है, तो हाइट तो होगा, हाइट इतना कितना है, जितना हाइट इसका रहता है 37, काउंट कर लू, कोई दिक्कत नहीं, आपको गेस करने नहीं आ रहा होगा। तो और क्या दिखता है, बोला डब्ल्यू, देखिए मतलब विड्थ, तो विड्थ जो होता है ये वाला होता है, देखिए क्योंकि ये लेंथ हो गया तो ये विड्थ, तो आपका ये 50 हो जाएगा। तो टॉप व्यू में इजिली आप गैदर कर सकते हो, तो टॉप व्यू में क्या बनेगा बताओ, देखिए यहां पर लिखा था मैंने लेंथ, ये देखिए एल, तो लेंथ, लेंथ कितना है, ये देखिए इसमें टोटल लेंथ 75, तो इसकी भी 75। ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, ये पूरा बॉक्स दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो आपको ना एक विजुअलाइजेशन है ना, मतलब देखने की आपके पास थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए, कैसे आपको कैच करना है, क्या दिखेगा, है ना, उसके बाद बहुत ही आसान है ये। चलिए, और ये हो गया लेंथ, और क्या दिखेगा बोला, यहां से देखोगे तो बताओ, ऊपर से देखोगे आप तो आपको ये पूरा एक बॉक्स दिखेगा 50 बाई 75 का, तो विड्थ कितना हो गया 50 हो जाएगा, ओके। तो चलिए, ये तो इसका डिस्कशन था, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका कंस्ट्रक्शन, मीन्स अलग अलग व्यूज को, तो पहले आपको मार्क करना है। तो देखिए, अभी लेफ्ट हैंड साइड से दिया है, तो
आपका ये जो होगा ये राइट साइड में ड्रॉ होगा, ठीक है, लेफ्ट का राइट में होगा, फ्रंट व्यू उसके लेफ्ट में होगा। चलिए स्टार्ट, यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं। आपको आपको क्या क्या करना है, आपको बताया था मैंने आपको थ्री, है ना, आपको तीन लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है, और जो कि 2H पेंसिल से आप करेंगे, और सभी के बीच का गैप कितने का रहेगा बताओ, बताओ सभी के बीच का गैप रहेगा 10 mm, दैट इज 1 = 1 cm, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं यहीं से। तो ये देखिए, ये एक और एक सेंटीमीटर का गैप बोल रहा हूं, ये देखिए, है ना, ये 1 और ये फिर से 1, ओके। अब यहां से जाएंगे हाइट, ये देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, ये 1 और देखिए यहां से ये 1 और एक और ये देखिए, क्लियर है। अब मैंने क्या बोला है, आपको मार्क करना है आपको व्यूज, तो चलिए बताइए, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो राइट में दिखेगा, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहां दिखेगा। इसमें क्या क्या दिखता है बताओ, साइड व्यू में मार्क कर लो हाइट और विड्थ, यहां पर लिख लेंगे एच और डब्ल्यू, मार्क कर लो एच कितना दिया है, हाइट 37 सभी एमएम में है, और डब्ल्यू कितना दिया है 50, ठीक है। तो यहां से आप चालू करेंगे ड्रॉ करना। चलिए तो यहां पर क्या बनेगा, फ्रंट व्यू आपका, फ्रंट व्यू मैंने यहां पर लिख दिया है, देखिए डायमेंशन कोई दिक्कत नहीं है, और इसके नीचे क्या बनता है टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में ये वाली डायमेंशन आपको लिखनी है, देखिए यहां पर लिख दिया हूं, तो यहां पर लेंथ दिखेगा 75 का और विड्थ दिखेगा 50 का। चलिए स्टार्ट विद फ्रंट व्यू से स्टार्ट करूं मैं, तो चलिए, तो आप यहां से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखेंगे आप यहां से देख रहे हैं, यहां से तो जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है वही चीज आपको दिखाई देगा, क्यों, मैंने यहां पर लिखा, देखिए यहां से देखोगे तो आपको लेंथ दिखाई देगी और सिर्फ हाइट दिखाई देगी, तो चौड़ाई पे मतलब विड्थ पे जो जो भी आएगा वो कुछ नहीं दिखाई देगा सामने से आपको, ठीक है। तो चलिए उसी को मैं ड्रॉ करता हूं, तो 75 का लेंथ बनाऊंगा देखिए, और हाइट 37 का, क्यों 37 क्या, यहां 12 है और ये 25 दिख रहा है आपको, तो 25 और 12 होगा 37। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं ध्यान से, है ना, बहुत सिंपल है, तो देखते जाएंगे इसको, HB पेंसिल ना याद रखेंगे, बार बार बोल रहा हूं आपको, यूज करनी है HB पेंसिल। चलिए यहां से स्टार्ट, तो कितना लेंथ 75 देखिए, तो यहां पर आपको 75 भी दिख रहा होगा, क्लियर है, HB पेंसिल से यूज करना है आपको, ये देखिए ये आपको ये हो गया 75, ठीक है। अब देखिए 75 हो गया, तो एक काम करता हूं, पहले मैंने एक बॉक्स बना देता हूं कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट क्या बना दूं, एक बॉक्स बना देता हूं, हाइट कितनी बताइए टोटल 37, तो यहां पर एक काम करो मैं 37 का ना हाइट बना देता हूं, ये देखिए ऐसे रखना है, यहां से 37 दिख रहा होगा आपको, ये 35 37 ये, और ये इधर जाएगा, ये देखिए इस टोटल मिल जाएगा आपको ऐसे, और ये वाली भी हाइट आपको बनानी है, तो ये देखिए इस टाइप से आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। अब मैंने ये बना दिया देखिए 25, अब इस 75 बना दिया, 75 कैसे दिख रहा है बताओ, एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बॉक्स आपको दिख रहा है, तो यहां पर आपको कुछ गैप दिख रहा होगा, तो आप जब सामने से खड़े होंगे तो ये गैप आपको कभी नहीं दिखेगा, ये गैप आपको ऊपर से दिख सकता है, तो इसलिए ये वाला जो चीज है वो इसी के सामने आके दिखाई देगा आपको यहां पर, तो इसलिए तीन भाग में इसको बांटना है, उसकी हाइट कितनी है देखिए 12 यहां पर लिखा हुआ है, तो चलिए पहले मैं 12 टिक कर लेता हूं सिंपल सा, ये देखिए ये हो गया 12 और ये पूरा सीधा चला जाएगा ऐसे, है ना, ये देखिए अभी इतना है ये बॉक्स के लिए। अब कितना डिवीजन है इसमें, 3 25 25 25, चलिए तीन डिवीजन टिक कर देता हूं यहां पर सिंपल सा, ध्यान से देखेंगे थोड़ा टाइम लूंगा आपका, बट आप प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी जाएगा, देखो अभी सीधा जा रहा है कि नहीं, देखिए कौन सी लाइन, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, है ना, ये लाइन सब आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल कर दूंगा, ये देखिए यहां पकड़ के ऐसे ऐसे, ये हो गया 25 ये हो गया 25, ओके। अब मेरा नीचे का काम हो चुका है, देखिए तीनों येलो कलर्स मैंने बना चुके हैं, है ना। अब देखिए यहां पर, अब मैंने बोला है कि आपको जब सामने से देखोगे तो आपको ये दिखाई देगी क्या विड्थ, नहीं, तो ग्रीन कलर और ये आपका, है ना, ये वाला जो कलर है ना वो दिखाई नहीं देगा आपको, पिंक कलर, है ना। सो आपको ये येलो कलर फिर से बनानी है, तो देखिए ये येलो तो मैंने बना दिया ये वाला बॉक्स, अब ये येलो जो है देखिए कितना मुझे ये डिस्टेंस नहीं दिखाई देगा, याद रखेंगे ये वाला डिस्टेंस ऊपर से दिखाई देगा, तो सीधा मुझे हाइट दिखाई देगी इसी के ऊपर, तो कितना ऊपर बताओ 25, तो ऑलरेडी ये तो 25 है, और देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसी के ऊपर चढ़ेगा ये, ठीक है 25। चलिए तो ये सीधा आपको ड्रॉ करना है, तो डायरेक्ट 25 है, ओके। अब यहां पर चला गया मैं, अब इधर आया देखिए लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट मतलब इस साइड कितना आया देखिए, यहां पर लिखा है 20, कितना लिखा है 20, तो चलिए 20 अंदर ला लेंगे लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट, है ना, राइट से लेफ्ट की ओर हमको 20 लाना है, ये देखिए ये यहां पर 20, ओके। अब देखिए यहां से सीधा ये थोड़ा सा ना टिल्ट हुआ है, दैट मींस कुछ एंगल्स यहां पर बन रहा है, हमको एंगल नहीं बनाना है, ये कितना छूटा है कितना में मिला है, तो आपको यहां पर से पता चल रहा होगा, ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20, सो ये देखिए यहां से 20 है, दैट मींस यहां से भी 20 है, कहीं से भी 20 हो सकता है, तो मैं टिक करूंगा यहां से इस साइड 20, यहां से इस साइड 20, चलिए तो टिक कर देते हैं,
ये देखिए 20 मैंने टिक कर दिया, ठीक है। अब इस ज्वाइन हुआ ही नहीं हुआ तो ज्वाइन कर देते हैं इसको। ये देखिए ऐसे रख के ये कंप्लीट, ठीक है। आपका ये वाला जो व्यू है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये वाला मिटाना है, ये देखिए तो दिखेगा नहीं, उधर तो कुछ है ही नहीं, बताइए इधर कुछ है क्या। अब आपको ये दिखेगा, इधर तो दिखना ही नहीं है, ठीक है। मैंने बोला सिर्फ येलो कलर दिखाई देगा, आप चीज को देखना चालू कर देंगे, आपके पास कोई भी एग्जांपल होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करें, सो आपको ये पता चल जाएगा। चलिए ये तो आपका हो गया एक व्यू, नेक्स्ट व्यू की बात करता हूं मैं। अब टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में क्या है बताइए, लेंथ आपको 75 ड्रॉ करना है और विड्थ कितनी 50, तो लेंथ जैसे बना वैसे बनाओगे। तो चलिए स्टार्ट कहां से करोगे, मैं दूसरा पेंसिल यूज कर लेता हूं इसके लिए, इस व्यू के लिए, है ना। तो चलिए मैं अब इसको यहां से चालू करूंगा, दिख रहा है क्लियर। तो लेंथ होगा सेम, आपको एचबी पेंसिल ही चलानी है, ये देखिए सेम आपको फिक्स करना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐसे, ये आपका 75 ऐसे ड्रॉ करना है, ये देखिए हो गया। अब विड्थ कितनी है बताइए, विड्थ 50। चलिए इसको भी एक काम करता हूँ ना, दिस इज द रूल ऑफ बॉक्स रूल बोलता हूँ इसको, तो आप इसको बॉक्स में कंप्लीट कर देंगे, कितना 50, तो सीधा रहेगा। देखिए यहाँ 75, ये देखिए 75 है, तो इसको ना बॉक्स में पहले कंप्लीट पैक कर देंगे। देखिए चलिए अब आपको टॉप से देखना है, तो दैट मीन जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ना उसी को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए कितना कितना दिखेगा, तो चलिए कहां से चालू करें बताइए, मैं नीचे से यहां से चालू करता हूं, है ना। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, अब देखिए यहां से, देखिए यहां पर मैंने बताया था, यहां पर ये जो है पीछे चला गया है, तो यहां पर डिस्टेंस है ना वो 12 है, याद रखेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर 12, ये वाला डिस्टेंस है 12, अंदर गया हुआ 12। तो यहां से मैंने देखो 25 पहले टिक कर देता हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर से भी तो 25 रहेगा और ये बॉक्स बार अंदर जाएगा कि नहीं। चलिए क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, इसको आपको सीधा रखना है, और ये देखिए ये आपको दिख रहा है 25, इसको यहां पर टिक कर दें, और ये जो 25 दिख रहा है इसको भी यहां पर आप टिक कर दें। ये देखिए दोनों टिक हो चुका है, हुआ। अब ये अंदर कितना गया है 12, तो चलिए सीधा सीधा अंदर इसको 12 ले जाते हैं अपन। चलिए ये देखिए यहां से 12, ये 12, और यहां से भी 12, ये 12, और ये दोनों मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। देखिए क्यों मिलेगा, क्योंकि ये मिला हुआ है, ये खाली है, तो ये वाला जो है आपका लाइन नहीं दिखेगा, याद रखेंगे कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर। चलिए अब बाकी ये तो पूरा जुड़ा है यहां से, और ये भी जुड़ेगा, आपको हाइट दिखेगी क्या, नहीं, मैंने जो लिखा है वही दिखाई देगा, लेंथ और विड्थ दिखाई देगा, हाइट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं 37 ड्रॉ किया क्या कहीं पर, बताओ नहीं, तो भूल जाओ इसको हाइट को। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे, ये एक लाइन से ज्वाइंट हो गया, ये देखिए इधर भी ज्वाइंट कर लेता हूं मैं, ये देखिए। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट, अब नेक्स्ट मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। तो देखिए इधर ये कितना है बताइए, 50, यहां पर आपको दिख रहा होगा 25 लिखा हुआ, तो ये यहां से 25 है, तो यहां से कितना हो गया अभी 25, तो मुझे 25 छोड़ना पड़ेगा पहले, इसको ड्रॉ करूंगा तो, क्योंकि यहां पर देखिए इतना जो है गेप खाली दिख रहा होगा आपको, ऐसे तो दिखना ही चाहिए ना, और ये बीच में कहीं पर आएगा, तो ऊपर से आपको ये टोटल लंबाई दिखेगी इतनी, तो ये कितनी है बताइए, ये 20 हो चुका है, ये टोटल 75 है, तो 75 - 20, तो ये जो होगा यहां तक कितना होगा बताइए, 55 होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 55। चलिए तो पहले आप 25 जाएंगे नीचे से ऊपर, बिकॉज ये जो है ऊपर जाएगा, है ना, 25 यहाँ पर छूटा हुआ है, तो यहां से मैं ऊपर जा रहा हूँ 25 पहले, तो ये देखिए ये 25 मैंने टिक कर दिया। अब 25 से ये लाइन सीधी जाएगी ऊपर से, मुझे ऐसे नहीं दिखेगा ना, एक सीधा लाइन दिखेगा ऊपर से, मुझे कभी ऐसा नहीं दिखेगा, दिखेगा जरूर बट सीधी लाइन दिखेगी, और एक गेप दिखेगा 20 का। तो चलिए यहां से मैं देखिए ये वाला जो है ये डिस्टेंस यहां पर दिख रहा है ना, वहीं तक आएगा सीधे में, ये देखिए 55 है, ये देखिए 55 क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये ऐसे जाएगा और ये ज्वाइंट होगा ऐसे। तो ये देखिए यहां से 20 छूटा था, ऊपर से आपको दिख रहा होगा क्लियर 20 छूटा है, तो ये 20 छूट गया। अब बीच में मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है बस, कितना यहां से डिस्टेंस दिखेगा 20, तो हाँ लेफ्ट दिखेगा ही दिखेगा, है ना, 25 मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो ये कितना है, आप यहां से 20 जाना चाहिए, देखो कितना गया है 20, तो कुछ नहीं करना है, ये देखो इसको सीधा रखना आप, ये आपको सीधा रखना है, और यहां पर ये देखिए यहां पर टिक करना है, और इसको ले जाना है सीधा नीचे, ये खत्म, ऐसे दिखेगा, देखिए ऊपर से आपको ये पूरा दिख रहा है सेम, और ये देखिए ये वाला गेप यहां पर दिखेगा, और ये बाकी का इतना दिखेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका दूसरा व्यू, आपको कौन सा मिटाना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका साइड व्यू, ठीक है, दोनों बन चुका है, अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, साइड व्यू बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे, यहां पर है साइड व्यू, तो चलिए साइड व्यू के लिए फिर से मैं दूसरा यूज कर लेता हूं रेड। चलिए यहां से चालू करेंगे, तो क्या क्या दिखता है बताइए, साइड में मैंने बताया यहां पर लिख दिया है 37 और 50, तो हाइट जो है देखिए हाइट की दिशा में जाएगा, तो ये 37 जो है 37 ऊपर जाएगा, और तो इधर क्या जाएगा 50, ये वाला 50, ठीक है। तो आप दूसरा तरीका भी होता है कि आप डायरेक्ट ना इसको यहां से ज्वाइन कर लें, तो ये 50 जितना भी होगा, फिर
जो मैंने आपको साइड व्यू बनाने वाला बताया था याद है, वही वाला रूल आप यूज कर सकते हैं। चलिए उसको आप नहीं करोगे तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद आए तो। यहां से आपको करना है देखिए 50 और कितना है 37, ये इसके बराबर यहां का, ये देखिए ऐसे। तो एक काम करो, इसको भी बॉक्स बना ले। चलिए इसको मैं कंप्लीट बॉक्स बना लेता हूं। ये देखिए बॉक्स बन चुका है। अब यहां से आप इसको देख रहे हैं कहां से, इस साइड से। तो ये देखिए पहले 50 और ये 12 हाइट पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलिए ये तो हो गया 50 और 12 हाइट कहां पर है, ये 12 हाइट नहीं है, है? चलिए इसको मैं ना ऐसे सीधा करना है आपको और इसको पीछे ले जाना है ऐसे, ये देखिए ओके, ये आपका ऐसे बना है, ये देखिए। तो नीचे का पूरा दिख गया। अब बताओ आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा क्या, नहीं, लेकिन ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे छुपा है। लेकिन बताइए यहां पर कुछ चीजें जो है ना, ये अंदर जा रही है 12, तो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है क्या वो, बताओ 12 जो अंदर गया वो तो मुझे सिर्फ ऊपर से दिखाई दिया, लेकिन है कि नहीं है। तो जो होता है उसके लिए डॉटेड लाइन हम लोग यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लाइन में हिडन लाइन, तो वही है। तो देखिए कैसे आता है, ये देखिए ये कैसे हिडन बनाते हैं, ये दिख रहा है आपको, इसके आपको पैरेलल रखना है देखिए ऐसे, और इसको डॉटेड पहले यहां तक ले आना, डॉट डॉट डॉट, ये देखिए यहां तक आया। अब इसके पैरेलल, ये देखिए इसके पैरेलल इसको डॉट 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 उतारना है, तो इसमें करेंगे काम। तो पहले कितना है बताइए, यहां से 12 है तो यहां से भी कितना होगा 12, तो मुझे इस साइड से देखिए इसके राइट साइड से मुझे 12 लाना है, 12 लाऊंगा है ना, और है ना, और नीचे डॉटेड कर दूंगा उसको। चलिए 12 आपको यहां पर से मार्क करना है, ये हो गया 12, और इसको आपको ना डॉट 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 बनाना है, बिकॉज यही डालना है। चलिए अब ऊपर चलते हैं फिर से, ये बन गया। अब मुझे ये हरा कलर दिखाई देगा, ग्रीन कलर नहीं, तो ये सीधी हाइट दिखाई देगी, बट ये हाइट अभी कैसे दिख रही है आपको, टिल्ट, तो टिल्ट नहीं दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी, तो ये वाली हाइट के बराबर याद रखेंगे। तो कितना है 25 है ना टोटल भाई, 12 तो मैंने बना चुका है, बाकी कितना है 25, तो 25 तो चला गया ये वाला, ठीक है, यहां पर समझ लो। अब क्या होगा देखिए, ये हाइट हो गई है, अब यहां से अंदर गया है तो कितना गया है 25, तो चलिए यहां से मैं अंदर ले जाता हूं इधर 25, ये 25 ओके। अब ये हो गया, अब मुझे ऐसे दिखेगा क्या, नहीं, सीधी लाइन दिखाई देगी इस लाइन के बराबर, तो सीधी कर दो इस लाइन को ऐसे पकड़ के सीधा यहां पर, ये देखिए बस हो तो गया, इतना आपको बनाना था भाई। ये देखिए 25 सीधी दिखाई देगी, बोला हूं तो सीधी दिखाई दी, ये सीधा जाएगा 25, सीधा जाएगा 25, तो नीचे आया यहां तक मिला हुआ है, देखिए हो गया खत्म। तो ये आपको बनाना है, और इस चीज को मिटा दो, आप किस चीज को मिटाओगे, ये वाला आपको मिट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है तीनों व्यू ड्रॉ हो चुका है। चलिए मैं इसमें लिख देता हूं है ना डायमेंशन, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं डायमेंशन। चलिए यहां पर क्या क्या दिखा है बताओ, यहां पर मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कर देते हैं, यहां पर इसका विड्थ दिखाई दिया, लेंथ को भी आप यहां शो कर सकते हैं ऐसे ड्रॉ करके, देखिए एक्सटेंशन लाइन होगी, और इसके बाद यहां पकड़ेंगे सीधा इसको, 75 है इसके पैरेलल, ये देखिए 75 ओके। अब कितने में गए भाजी, 25 25, ये देखिए तो आप ऐसे, ये आपका हो गया है ना, इसे भी यूज कर सकते। चलिए इसको मैं क्या बनाना रहता है आपको, एरो हेड इसके बारे में बता चुका हूं, तो ये जल्दी जल्दी आपका काम है, ये हो जाएगा। चलिए कितना था बताइए, 25 दैट इज ऑल्सो 25, ये भी 25। चलिए टोटल हाइट कर देते हैं यहां तक, ये हाइट नहीं है ये विड्थ है, सॉरी है ना विड्थ है, हाइट तो आपका ऊपर दिखाई देता है, कितना है 50, विड्थ कितना था देखिए 50, ये हो गया खत्म। और क्या कुछ करना है, चलिए तो यहां का डिवीजन हो चुका है ना, अभी देखिए ये 12 अंदर गया, इसको अपना दिखा के यहां भी दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे, ये यहां पर लिख देंगे 12 अंदर गया है हिडन है, इसलिए अब यहां पर दिखा सकते हैं, और हाइट ये देखिए, ये बताओ ये कितना है, ये भी कितना था बताओ 12, ये हो गया 12 आपका, फिर ये कितना था बताओ, ये वाला आपका एक्सटेंशन लाइन बनाना है पहले, और यहां पर ऐसे लिखना है भाई, ये देखिए ये आपका कितना था बताओ 20, लिख देंगे 20, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं, और क्या छूटा है, ये 12 का यहां मैंने शो कर दिया है, और ये टोटल ये वाला भी शो कर दिया है ना, ये 25 चाहिए ये वाली, तो ये तो यहां पर भी शो कर सकता हूँ, या फिर यहां पर भी शो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर ही शो कर देता हूँ, ये देखिए यहां से एक्सटेंशन लाइन, और यहां से पकड़ेंगे और यहां पर ड्रॉ कर देंगे ये ऐसे, कितना है बताओ 25, कौन सा वाला है ये, यहाँ ये वाला है ना, ये देखिए ऊपर से देखे थे तो ये 55 है ना, 55 यहां तक,
ओके 20, ये वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक ही डायमेंशन देंगे, रूल क्या कहता है, मैंने आपको डायमेंशन रूल बताया था, वो मोर देन ज्यादा आपको सिर्फ एक जगह के लिए ही डायमेंशन देना है ना। तो ये हो गया, और कुछ बाकी है, 12 हो गया। हाँ, ये वाली हाइट मैंने शो नहीं किया, तो ये आप यहां से शो कर सकते हैं इसको, देखिए ऐसे ले जाके ये ऐसे आप कर सकते हैं, यहां पर एरो बना देंगे और यहां पर लिख देंगे कितना बताइए 25। सो दिस इज कंप्लीट ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो हुआ है ना, ये आपका कौन सा व्यू था, फ्रंट व्यू, ये आपका कौन सा व्यू था, टॉप, और ये आपका कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपके साथ है ना हर एक छोटी सी चीजें शेयर करता हूँ, छोटी सी छोटी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में, मजा आता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ें, एंजॉय करके पढ़ें, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके उसको बता सकते हैं। सो थैंक यू, एंड मैं बहुत जल्द फिर से आपके साथ एक नए प्रॉब्लम के साथ है ना आने वाला हूँ। सो तब तक स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, और आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, थैंक यू।